दोस्तों, संसार में सांपों की कुल 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 500 से अधिक विषैली सांपों की प्रजातियां पाई जाती है। कुछ सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि आदमी कुछ ही मिनटों में मर जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है टाइपन। टाइपन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला दूसरा सबसे विषैला सांप है। टाइपन सांप का रंग अफ्रीका के ब्लैक मांबा की तरह होता है और इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके एक बार छोड़े गए जहर से कम 12,000 सुअर की मौत हो सकती है। नंबर 9, ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे लंबा, तेज और जहरीला सांप माना जाता है। ब्लैक मांबा की लंबाई लगभग 14 फीट तक होती है और यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग भी सकता है। ब्लैक मांबा परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदल सकता है। यह इतना आक्रामक होता है कि कुछ ही सेकंड में यह लगातार कई बार काट सकता है। काटने के 15 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 8, टाइगर स्नेक। टाइगर स्नेक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है। टाइगर सांप में न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है। टाइगर स्नेक इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होते, क्योंकि इंसानों को देखकर यह भाग जाते हैं। टाइगर स्नेक तभी काटता है जब उसको भागने की कोई जगह न मिले। नंबर 7, फिलिपिनी कोबरा। फिलिपिनी कोबरा कोबरा की अन्य प्रजातियों से कई गुना ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। यह शिकार को 3 मीटर की दूरी से ही लपट कर काटने की क्षमता रखता है। फिलिपिनी कोबरा के काटने के बाद इंसान 30 मिनट के अंदर मर सकता है। नंबर 6, सा स्केल्ड वाइपर। वाइपर लगभग पूरे संसार में पाए जाते हैं। यह धरती पर पाया जाने वाला सबसे जहरीला और खतरनाक सांपों में से एक है, लेकिन वाइपर की सबसे जहरीली प्रजाति सा स्केल्ड वाइपर भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। भारत में सालाना यह लगभग 5,000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार है। नंबर 5, डेट एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी में पाया जाने वाला बहुत ही खतरनाक सांप है। डेट एडर की खास बात यह है कि यह ज्यादातर सांपों का ही शिकार करते हैं। डेट एडर सांप बहुत तेजी से हमला करता है। डेट एडर सांप 40 से 100 मिलीग्राम जहर शिकार के शरीर में छोड़ता है और यह 13 सेकंड में ही दोबारा हमला करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से यह 6 घंटे से भी कम समय में मौत हो सकती है। नंबर 4, रेटल स्नेक। रेटल स्नेक उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है। रेटल स्नेक अपनी पूंछ के आखिरी सिरे पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। रेटल स्नेक जब अपनी पूंछ को हिलाता है तो यह छल्ले झुनझुनों की तरह आवाज करते हैं। रेटल स्नेक की विशेषता यह है कि इनके छोटे बच्चे वयस्क सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। रेटल स्नेक के काटने के 10 मिनट के अंदर एंटीडोज लेने पर बचने के कुछ हद तक चांस होते हैं। नंबर 3, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक और जहरीला सांप होता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक का जहर इतना जहरीला होता है कि इसके जहर का 1/14,000वां हिस्सा भी किसी इंसान की जान ले सकता है। ईस्टर्न ब्राउन सांप का छोटा सा बच्चा भी किसी इंसान की जान ले सकता है। नंबर 2, इनलैंड टाइपन। इनलैंड टाइपन धरती पर पाए जाने वाले सांपों में सबसे खतरनाक और जहरीला सांप माना जाता है। इनलैंड टाइपन सांप के एक डंक से व्यक्ति के शरीर में कम से कम 110 मिलीग्राम जहर जाता है। टाइपन का जहर रेटल सांप से 10 गुना और सामान्य सांपों से 50 गुना ज्यादा खतरनाक और जहरीला होता है। टाइपन स्नेक भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। नंबर 1, सी स्नेक। यह दुनिया का सबसे जहरीला समुद्री सांप है। यह सांप इतने खतरनाक और जहरीला होते हैं कि इसके 110 मिलीग्राम जहर से लगभग 1,000 इंसानों की मौत हो सकती है। यह सब समुद्र में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों में इनसे कम खतरा होता है।